अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, दो चार दिन हो गए हैं, बारिश जो है हमारे यहाँ रुकी भी नहीं है और आज भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश बनी हुई है और बादल भी बने हुए हैं। तो ज़ोया के जो है कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उनके कपड़ों को सिलाई कर दूँ। ये देखें, मैंने जो है थोड़ी सी सिलाई कर दी है और थोड़ी सी रहती है तो फिर कर लूँगी और नहला के ज़ोया को पहनाऊँगी। ज़ोया भी मेरे साथ खड़ी हुई है, कहती है जल्दी करो मेरे कपड़े सिलाई करो, मैंने पहने हैं। बारिश का नाम लिया तो बारिश भी आना शुरू हो गई है और बारिश खड़ी रहती है तो हमारी आग नहीं जलती तंदूर में और रोटियां भी नहीं लगती, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। बारिश आ गई, हमारी पकौड़ी भी हो गई। बटन खुले होंगे तो मैं बटन है नहीं, मैं क्यों बंद करूं? जब मैं बेचारा को सरप्राइज करें बारिश जोर भी आ गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। बिना वो को पोषण में मेला मिले ये करें हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से ज़ोया जो है आज बहुत ही प्यारी लग रही है और इन्होंने तैयारी जो है कर ली है। पहले तो मुस्तकीम और ज़ोया ने एक देग बनाई है जो कि कहने लगे कि आज ना अम्मी हम जो है चावल बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो घास काटने चली गई और इन्होंने जो है देगड़ा ऊपर रख के तले नीचे चूल्हा रख के तो इन्होंने जो है चावल बनाए हैं। मैंने देखा तो देख तो व्यूअर्स बारिश जो है अभी भी बनी हुई है और बादल भी बने हुए हैं और कोई पता नहीं है बारिश कब आ जाए, इसलिए मैंने अम्मी को कहा है जल्दी जो है तंदूर में आग डाल के रोटियां लगा ले। बड़ी मुश्किल से हमने आग डाली है, इसमें हम सायों से लकड़ी लेकर और अभी जो है रोटियां लगा रहे हैं। अम्मी कहती है कि आप ना रोटियां सही नहीं लगाती, रोटियां सही नहीं लगाती। ये देखिए भी बस, ये मेरी रोटी है, कितनी खूबसूरत है। तेरी तेरी मैं अपने व्यूअर्स को दिखा तो दूँ, लेकिन आप तो कहती हैं कि आप ना रोटियां सही नहीं लगाती, इसलिए खुद लगाती है। सब क्या रोटिया होना का ही
तो अभी बस हमने रोटियां जो है लगा ली, लेकिन हमारी भिंडियां जो है अपनी थी, तो मैंने सोचा कि दो चार दिन से जो है हमने सालन नहीं बनाया, तो आज जो है फिर से सालन बना ले। लेकिन मैं अपने भिंडियां तोड़ कर ले आई और अम्मी ने रोटियां लगा लिया, तो मैंने ऊपर जो है बना ली। इसकी वजह से जो है सालन इसलिए नहीं पकाते थे कि बारिश आ जाती थी, सुबह आ जाती थी, दोपहर को आ जाती थी, और शाम को जब हम सालन पकाने का टाइम होता था तो फिर आ जाती थी। लेकिन भाई जो है कभी होटल से लेकर आते थे, कभी किधर से गुजारा जो है वो चल जाता था। आज लेकर मैंने अपनी घर की जो है भिंडियाँ बनाई हैं, तो जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है वो आता है, उनको बच्चों का बाप है, उनको मिल के चला जाता है। मैं उनको रोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बच्चों को जो है उनके घर नहीं जाने दूँगी। तो बस एक और बात भी है जो आपसे शेयर करनी है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो है जिनके घर डूब गए हैं वो जो है अपनी काफ़ी सारे सामान जो है उनके डूब गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर और आप खुद जो है इधर हमारे चक्कों में, स्कूलों में जहाँ उन्होंने देखा है खाली जगह है तो वो आकर बैठ गए हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप उनका मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें, तो हो सका तो मैं उनको वीडियो में बना कर दिखाऊँगी, लाजमी आपसे शेयर करूँगी। तो आपकी सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ये आपको दिखाऊंगी। वो भी हम जैसे हैं, अल्लाह ना करे ये वक्त हम पे भी आ जाए, लेकिन हम पे थोड़ी थोड़ी बारिश बरसती है तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ये काम वो काम। लेकिन वो तो उनके पूरे घर जो है वो डूब गए हैं और अभी जो है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कल इंशाल्लाह उनकी वीडियो बनाऊँगी, तो आपके साथ का मुश्किल घड़ी में उनका साथ आप भी दें और हमसे भी जो हो सका तो हम उनके लिए करेंगे। तो कल जाएंगे और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और हम तो चाहते हैं कि मैं तो भाई को कह दिया है कि कुछ ना कुछ हमसे जो भी हो सकता है, वो भी हमारी तरह इंसान है, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ करें। अगर आप भी कुछ उनके लिए करना चाहते हैं तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। कल मैं जाकर उनकी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। भिंडियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं और सब जो है इंतज़ार में बैठे हुए हैं और सबको जो है नाश्ता भी देना है।